नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 से 12 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिव्यूजन हम कर लेते हैं। हाल ही में स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है? तो 25,86,00,000 रुपए की राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ से किसे नामित किया गया है? श्री ओपी चौधरी को नामित किया गया है। और ओपी चौधरी कौन है? छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित की जा रही है? तो बीजापुर जिले में संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं? 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। रायपुर के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण होगा? तो छत्तीसगढ़ के जो है 22 जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण होगा, जो कि रायपुर की तर्ज पर होगा। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको हरेली के त्यौहार के बारे में सारा डिटेल बताया गया पिछली वीडियो में, आप इसे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? 80% आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कलाकार शिव कुमार दीपक का निधन हो गया है। वह किस जिले से संबंधित है? तो दुर्ग जिले के निवासी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोयले का कितने मिलियन टन भंडार मौजूद है? तो 80,773.87 मिलियन टन भंडार जो है मौजूद है। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन थी कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 1,500 रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथे क्रम का टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ का बनेगा। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा गया दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के चौथे क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा। अब मैंने आपको ये चीज क्यों बताया, ये आपको आगे जब मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा, इसका हम डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। 2,829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। इस टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। समझ में आया मैंने आपको क्वेश्चन में क्यों पूछा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? ठीक है, यहां से आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य जो छत्तीसगढ़ में बनेगा वो देश के कौन से क्रम का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के लिहाज से जो है ये टाइगर रिजर्व जो है इन दोनों को मिला के जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा वो क्षेत्रफल के लिहाज से भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा जो छत्तीसगढ़ में बनेगा, और छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कितने वर्ग किलोमीटर में होगा? 2,829.387 वर्ग किलोमीटर में यह टाइगर रिजर्व जो है वो बनेगा। इससे क्या होंगे, इको पर्यटन का विकास होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व 3,296.31 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं असम का मानस टाइगर रिजर्व 2,837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो पहला टाइगर रिजर्व है वो श्रीसैलम टाइगर रिजर्व है, दूसरा मानस टाइगर रिजर्व है, और तीसरा अब गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा क्षेत्रफल के हिसाब से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कुमेली जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरजपुर जिले में स्थित है। अब ये क्वेश्चन क्यों अभी हाल में चर्चा में है ये भी हम आपको बताते हैं। कुमेली जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशा अनुरूप पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सूरजपुर जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से रामानुज नगर जनपद पंचायत अंतर्गत कुमेली जलप्रपात और सूरजपुर जनपद अंतर्गत पहाड़ गांव क्षेत्रों में हुए पूर्व के निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो क्या है ना दोस्तों, कुमेली जलप्रपात को पर्यटन की दृष्टि से इस जगह का जो है विकास किया जा रहा है और पर्यटन के रूप में इसे जो है सजाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जलप्रपात जो है अभी चर्चा में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से कौन 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राहुल गुप्ता जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के माउंट मैन राहुल गुप्ता जन दर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मिले। राहुल गुप्ता ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को बताया कि वे 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजिया सको में चढ़ाई करेंगे। यह चोटी 2228 मीटर ऊंची है और विश्व की सातवीं सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के सबसे पहले पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। राहुल ने 14 मई 2018 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ से सबसे पहले पर्वतारोही कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था या एवरेस्ट पर फतह किया था, तो वो कौन थे, राहुल गुप्ता थे। ये भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर थ्रो करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक किसने जीता है, पाकिस्तान के अरशद नदीम, रजत किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जो भारत में है, तीसरा जो ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का थ्रो किया है वो भी ध्यान रखिएगा, 89.45 मीटर का जो थ्रो इन्होंने किया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही अनुभवी गोलकीपर पीआर राजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिक 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण पदक और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वर्ण पदक किसने जीता है हॉकी में, नीदरलैंड ने जीता है, जर्मनी ने रजत पदक जीता है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराया, तो ध्यान रखिएगा स्पेन की टीम को जो है भारतीय हॉकी टीम ने हराया है और कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किसने किया है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हुए सही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।